हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोगों ने सेक्शन 106 से लेकर 153 तक हमने कवर किया है। ठीक है, हमने आपको 106 से 153 तक पूरा पढ़ा दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें इम्पॉर्टेंट है। आज जो है हम लोग वीडियो में उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लें बट आपने यदि एमसीक्यू नहीं सॉल्व किया तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि सीआरपीसी जहाँ तक चल रही है चलने दीजिए आप लोग। ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना करिए, बार बार ये मत कहिए तेज चलिए सर, मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम जुलाई तक मैंने कहा है आपसे, तो कम से कम जुलाई तक आप लोग शांत बने रहिए। ठीक है, कोशिश कर लूँगा जुलाई तक काफ़ी हद तक आपकी सीआरपीसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ और कि जैसे आप लोग कर रहे थे कि रिवीजन नहीं हो रहा, रिवीजन कब टाइम मिलेगा, तो रिवीजन करवा तो रहा हूँ, मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ये क्या है, आप रिवाइज तो करिए, करवा तो रहा हूँ, आप आगे का टाइम क्यों देख रहे हैं कि भाई जब सीआरपीसी आपका ख़त्म होगा तो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नहीं, आप इसी समय हमारे साथ करते रहिए, सीआरपीसी को पेंडिंग मत रखिए, इसी समय आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। जहाँ तक सेक्शन जा रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ तक आप सॉल्व करते रहिए। कई बार मैं कह रहा हूँ सीआरपीसी का टेंशन मत लीजिए, बस जैसे मैं कह रहा हूँ बस करते जाइए आप बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 106 से हम लोग 153 तक देखेंगे। देखिए 149 से 153 तक खास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम लोग 148 तक पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसी में अब अपना एनालिसिस कर लीजिए कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं, या जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, हमने पढ़ाया आपको है, क्या वो क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये भी आप एनालिसिस करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने की प्रत्याभूति का उपबंध किया गया है? तो किस में किया गया, 108, 106, 109, 111, तो किस में है, सेक्शन 106 में है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया था आपको कि पर शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति है, चैप्टर 8 था, जो सेक्शन 106 से लेकर 124 तक प्रावधान करता है। कहाँ तक, 106 से 124 तक प्रावधान करता है। सेक्शन 106 मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपका, इसमें हमने बताया था आपको कि 106 में व्यक्ति जो है वो दोषसिद्ध रहता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ व्यक्ति क्या होता है, दोषसिद्ध रहता है, यही 106 सेक्शन है जो इसमें दोषसिद्ध रहता है। और मैंने ये बताया कि सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे या न्यायालय कौन होंगे, तो उसमें सेशन न्यायालय, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अपीली न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय, ये चार प्रकार के न्यायालय सेक्शन 106 में हैं, ये याद रखिएगा। ये शांति के लिए होता है, अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है, और आधार क्या होता है कि हमला, आपराधिक बल, रिस्ट्री या आपराधिक अभिप्राय, इससे संबंधित कोई अपराध करने की संभावना है तो उस पर शांति के लिए ये बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 108 में अच्छा आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किससे की जा सकती है? तो किससे की जाएगी, आवारागर्द एवं संदेहास्पद व्यक्तियों से, आदतन अपराधियों में, एक अपराध के अभियुक्त से, ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह की सामग्री प्रचारित करें। तो किससे होगा, ऑप्शन डी होगा कि ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह की सामग्री प्रसारित करें। मैंने आपको बताया था सेक्शन 108 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है, 1 वर्ष अधिकतम अवधि के लिए भरवाया जाएगा, किस बात के लिए, आधार क्या होगा, तो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाना या अश्लील बातों को फैलाने के संबंध में भरवाया जाता है। ठीक है, ये हमने सेक्शन 108 में बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए
ऐसी अवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है जो क्या होगा, 1 वर्ष से अनधिक, 2 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष से अनधिक, 6 माह से अनधिक। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 वर्ष से अनधिक होगा। ठीक है, सेक्शन 107 हमने बताया था आपको कि सेक्शन 107, 108, 109 ये तीनों आपके 1 वर्ष है। ठीक है, और ऊपर का सेक्शन 106 और नीचे वाला 110 ये 3 वर्ष होगा। ठीक है, याद है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष से अनधिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अभ्यासिक अपराधी सेक्शन 110 सीआरपीसी में ऐसा व्यक्ति होता है जो सेक्शन 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो, जो अभ्यासतः अपराध करता है, जो अभ्यासतः उन व्यक्तियों के साथ रहता जो अपराध करते हैं, जो उन व्यक्तियों से व्यवहार करता है जो अभ्यासतः अपराधी है। क्या होगा, ऑप्शन बी, जो अभ्यासतः अपराध करता है। ठीक है, तो 110 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, जो बॉन्ड भरवाया जाता है वो सदाचार के लिए भरवाया जाता है, अर्थात गुड बिहेवियर के लिए भरवाया जाता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ प्रतिभू सहित ही होगा, और बाकी में जो आप पढ़ेंगे 106 से लेकर 109 तक, यहाँ प्रतिभू सहित और प्रतिभू रहित दोनों हो सकते हैं, बट सेक्शन 110 एक इकलौता सेक्शन है जिसमें प्रतिभू सहित ही होगा, ये याद रखिएगा। और अधिकतम बॉन्ड कितना, 3 वर्ष तक भरवाया जाएगा, और क्या आधार होगा, आभ्यासिक अपराधी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 110, याद रखिएगा। देखिए यही है रिवीजन, अगर आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आराम से आप कर ली जाएंगे, और सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहा हूं मैं, उसके अंदर क्या मैटर वो भी आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, कि आपका जो पढ़ा है आपने वो रिकॉल हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान करती है, तो कौन सी धारा है, सेक्शन 110 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिभूति सीआरपीसी के किस प्रावधान के तहत की जा सकती है, तो किस में है, सेक्शन 110 में की गई है। ठीक है, चलिए, सीआरपीसी की धारा 110 में सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित करने की अधिकतम अवधि है, कितनी है, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष। ठीक है, यहां देखिए, यहां क्या कहा गया, प्रतिभूति सहित, अर्थात प्रतिभू सहित कहा गया, रहित नहीं। ठीक है, 110 में याद रखिएगा, प्रतिभूत सहित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 125 मेंटेनेंस आ गया आपका, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत एक स्त्री को उसके पिता का भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, एक पिता को अपने नाबालिग बच्चे के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, एक पुत्र को अपने पिता का भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था जब मेंटेनेंस हमने पढ़ाया था आपको, तो हमने बताया था भरण पोषण की मांग कौन कर सकता है, सेक्शन 125 के अनुसार यह है कि भरण पोषण की मांग पत्नी कर सकती है, संतान कर सकता है चाहे अवयस्क हो चाहे वयस्क, पिता या माता कर सकते हैं। ठीक है, हमने इतनी बातें आपको जब मेंटेनेंस पढ़ाई थी तो बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति से जो पर्याप्त साधनों के होते हुए भी भरण पोषण करने में उपेक्षा अथवा इनकार करता हो से भरण पोषण की राशि की मांग नहीं कर सकता है, कौन होगा, पहला पिता व माता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अधर्मज अवयस्क संतान जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, नेक्स्ट पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, और लास्ट भाई जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, भाई जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है ये मांग नहीं कर सकता, क्योंकि 125 में इनकी बात नहीं की गई है। ठीक है, सिर्फ पत्नी और संतान
पिता या माता की बात की गई है, बट भाई की बात नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने हेतु सेक्शन 125 सीआरपीसी का क्षेत्राधिकार प्रतिधारित कर लिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, उनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन ए होगा, प्रतिधारित कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ठीक है, सहोदर भाई, पिता, तलाकशुदा पत्नी, अधर्मज, अवैध संतान। तो कौन नहीं है? सहोदर भाई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? किस केस में कहा गया? तो यह सविता बेन सोमा भाई भाटिया वर्सेस गुजरात राज्य में यह बात कही गई है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म की हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन। कौन सा केस लॉ होगा? मैंने आपको बताया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का मामला है। ठीक है, इसमें यह बात कही गई। ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अवधारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के स्वतंत्र पर्याप्त साधन हैं, वह अपने माता अथवा पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। तो कौन सा केस ला है? ऑप्शन आपका डी होगा, विजय मनोहर अरबट वर्सेस काशीराव राजा राम सवाई। ठीक है, ये दोनों आपके केस ला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिएगा। देखिए यही फायदा होता है आपका जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सिर्फ पढ़ लेंगे ऐसे मजा नहीं आता जब तक कि आप एमसीक्यू सॉल्व न करें। और एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हैं और आप सही आंसर बताते हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है। ठीक है, और जब अंदर से खुशी हो तो आप अपने आप को ही शाबाशी दे दिया करिए। ठीक है, कि हाँ आज हमने बता लिया, और खुद कॉन्फिडेंस जो है आपका ना वो खुद बूस्ट हो जाता है अपने आप, कि हाँ जो हमारी पढ़ाई चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलत उत्तर बताना इसमें कि कौन सा गलत है। सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ऑप्शन है, अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो, अपनी धर्मज या अधर्मज अवैध संतान का, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, और लास्ट है अपने माता या पिता का। तो क्या होगा? यह ऑप्शन आपका ए सही होगा, अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो, यही गलत उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मासिक भरण पोषण भत्ता की राशि कितनी है? 500, 100, 5000, बिना किसी सीमा के? तो कौन सी है? ऑप्शन डी आपका, बिना किसी सीमा के। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये होगा, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या यूपी में मेंटेनेंस की सीमा बताई गई है। ये आपके ऊपर हम दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर होगा ऐसा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग चीज़ें हों, तो यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर होगा ऐसा मेंटेनेंस का बताया गया होगा तो ज़रूर आप हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ बताया भी गया, ये भी बताएंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के निम्नलिखित में से कौन सा आदेश कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपरोक्त सभी। तो कौन होगा? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आवेदन कहाँ करेंगे आप? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किन मामलों में एक पत्नी भरण पोषण के लिए हकदार नहीं होती है? ठीक है, कब नहीं होगी? यदि वह जारता की दशा में रह रही है,
यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यदि पक्षकार पारस्परिक सहमति से पृथक रह चुके हैं उपरोक्त सभी स्थिति में, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी स्थिति में पत्नी को भरण पोषण की हकदार वह नहीं रहेगी। ये कहाँ बताया गया? तो ये बताया गया है आपका सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आपको बताया था सेक्शन 125 का सब क्लॉज 4 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही बताता है कि कब पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 125 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी के अंतर्गत कौन भरण पोषण का दावा कर सकते हैं? धर्मज या अधर्मज वयस्क पुरुष संतान जो शारीरिक एवं मानसिक असमानता से ग्रसित हैं, धर्मज या अधर्मज वयस्क अवयस्क विवाहित संतान जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तलाकशुदा पत्नी जिसने पुनर्विवाह न किया हो और उपरोक्त सभी। तो कौन होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता है? तो एक पत्नी जो जाता की रक्षा में रह रही हो, ठीक है, पत्नी जो कि आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो, दोनों ए और बी दोनों। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दोनों अवस्था में वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, इनमें से किसी भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा। तो किसे नहीं होगा? अविवाहित पुत्री, निर्धन माता पिता, शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र, विधवा पुत्री। तो किसको नहीं होगा? विधवा पुत्री को नहीं होगा अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए फिर डॉट डॉट हकदार नहीं है, कौन हकदार नहीं है? पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, विच्छिन्न विवाह पत्नी, पुनर्विवाह नहीं किया हो, मतलब विवाह विच्छेद जो इसका हो गया वो पत्नी और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, अवयस्क पुत्री, विच्छिन्न विवाह पत्नी जिसने पुनर्विवाह कर लिया। तो भाई ऑप्शन डी आपका सही होगा कि जो पुनर्विवाह जिसने कर लिया तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन अध्याय 9 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है? तो कौन नहीं है? तलाकशुदा पत्नी, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी, अधर्म संतान, वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये योग्य नहीं है। सेक्शन 125 के अंतर्गत न्यायालय निम्नलिखित अधिकतम राशि तक मासिक भरण पोषण का आदेश दे सकता है, तो कितना? 3,000, 4,000, 5,000, असीमित। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें लग रहा है ये कि एमपी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ 3,000 रुपये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जाने ही दीजिए आप, क्योंकि हमें लग रहा है एमपी में जो है वो 3,000 रुपये डिसाइड किया गया है कि 3,000 मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन ए मारा गया है कि 3,000 रुपये होगा। फिलहाल आप यूपी में देखिएगा कि क्या कितना डिसाइड किया गया, डिसाइड किया भी गया है अथवा नहीं किया गया, ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भरण पोषण के रूप में अधिकतम कितने रुपये दिलाए जा सकते हैं? 3,000, 5,000, 10,000, देखिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या किया, उल्टा कर दिए हैं, यहाँ एमपी बोल दिए कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि ऊपर वाले में क्या कर दिया, 3,000 रुपये। ठीक है, छोड़िए, तो जब नहीं डिसाइड तो आप कोई सीमा निर्धारित नहीं यही आप लगाएंगे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन ये जरूर देख लीजिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि यूपी का रहेगा। देखिए एपीओ को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम सिर्फ यूपी में देख लीजिए कि मेंटेनेंस कितना दिया जा रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना मेंटेनेंस दिया जा सकता है, यदि डिसाइड होगा कि इतना रुपए दिया जाता है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना रुपए दिया जाता है, या डिसाइड नहीं होगा तो भी आप बताइएगा कि यहाँ डिसाइड नहीं किया गया है यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वाह के लिए मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 1,000, 500, 2,000, कोई सीमा नहीं, तो कोई सीमा नहीं, ऑप्शन डी।
सीआरपीसी की निम्न किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है? तो किस में किया जाएगा? सेक्शन 125, 126, 127, 128, तो किस में है? सेक्शन 127 में। मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हेडिंग ही याद कर लीजिए बहुत है, ठीक है। भत्ते में परिवर्तन 127, क्या स्थितियां होंगी, कब परिवर्तन होगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहां बताया है अच्छे से। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जो नए लोग होंगे, जो पहली बार हमें सुन रहे होंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मेंटेनेंस की मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 127 के संबंध में क्या सही है? न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि बढ़ा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि घटा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि के आदेश को निरस्त कर सकता है, सभी विकल्प सही हैं। तो क्या होगा? सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है भरण पोषण की राशि को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, और भरण पोषण की राशि के आदेश को निरस्त भी कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखा जाए? किस सेक्शन में बात की गई? सेक्शन 132, 131, 129, 130। तो किस में बात की गई? सेक्शन 130 में बात की गई है, ठीक है। 129 में क्या बात की गई? कि पहले विधि विरुद्ध जमाव के लिए तितर बितर करने का आदेश दिया जाएगा, अगर आदेश देने के बाद वो तितर बितर नहीं होते हैं तो सेक्शन 130 में क्या किया जाएगा? सशस्त्र बल का उपयोग किया जाएगा। 129 में मैंने आपको बताया था कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसदक अधिकारी या इनकी अनुपस्थिति में उप निरीक्षक से अन्य पंक्ति का व्यक्ति या अधिकारी आदेश देता है, ठीक है। वहीं 130 में क्या होता है कि उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहां पर आदेश देता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशंकित खतरे या अवदूषण के अर्जेंट मामले के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त है किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 133, 144, 145, 107। तो किसमें है? सेक्शन 144 में प्राप्त है, ठीक है, 144 में प्राप्त है। और कौन आदेश देगा 144 में? मैंने आपको बताया था कि डीएम या एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता है 144 में। चलिए, और यही लोग सेक्शन 133 में भी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा एक उपखंड मजिस्ट्रेट कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस को रोक सकता है? तो किस सेक्शन में? 133 में है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि कोई बाधा या न्यूसेंस को रोक सकते हैं 133 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है? उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन कर सकता है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मांग कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये याद रहे आपको, ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया है पता चल रहा आपको? ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 106 से पूछा गया है। कहां से? एक सेक्शन 106 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग की जा रही है, तो कौन करेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है उपस्थित हो जाता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट, ऑप्शन है आपका, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है, उस मामले में। फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, फिर से ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है उपस्थित हो जाता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में
उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह समन मामला हो, ठीक है, उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह वारंट मामला हो, उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह असाधारण मामला हो, कोई साक्ष्य नहीं लेगा, ठीक है। इसका आप आंसर मुझे देंगे, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन देख लिया तो ऑप्शन के भरोसे मत रहिएगा, जो आंसर इसमें लिखा गया है उसके भरोसे मत रहिए, आप खुद आंसर आप मुझे देंगे कि यह बात, इसका आंसर कौन सा सही है और यह कहाँ बताया गया है। सेक्शन तो 133 बता दिया गया, बट 133 के किस क्लॉज में बताया गया है ये बात, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। जो जो चीज़ें मैंने पूछा है वो एक जगह आप नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें हमें बताना है, ठीक है, आप कोशिश करिएगा बताने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के निम्न में से किस धारा में जिलाधीश या उपखंड जिलाधीश पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कर सकता है, तो किसमें है, 151, 133, 145, 107, तो किसमें है, 133 में कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है, तो कहाँ है, सेक्शन 139, 133, 145, 147, हमने क्या बताया था आपको, ये क्या बात कही जा रही है, स्थानीय अन्वेषण की बात कही जा रही है, हमने यही बताया था कि सिर्फ आप स्थानीय अन्वेषण पढ़ लीजिए, तो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 139 में बताया गया है, ठीक है, 139 है स्थानीय अन्वेषण, ऐसी लगे हाथ मैंने बताया था कि सेक्शन 148 में क्या है, स्थानीय जांच की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन न्यूसेंस या आशंकित संकट के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा नहीं किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, तो किसके द्वारा नहीं है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है, किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है, कितने दिन तक, 3 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, कितना है, ऑप्शन बी होगा 6 माह से अधिक, ठीक है। चलिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत दिया गया आदेश डॉट डॉट है से अनधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, कितने दिन से अधिक, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, तो कितना है, 2 माह, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 144 के अधीन जो आदेश दिया जाता है वो 2 माह तक रहता है, ठीक है, वो कितने दिन तक रहता है, वो 2 माह तक, अर्थात आदेश दिए जाने की तारीख से 2 माह तक अधिकतम रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब्जा और हक, वास्तविक कब्जा, हक, उपरोक्त सभी, तो क्या होगा, वास्तविक कब्जे का निर्धारण करेगा, ठीक है, हमने बताया था आपको कि स्वत्व का निर्धारण नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 145 का क्या उद्देश्य है, जो लाया गया 145 को, परशांति भंग होने से रोकना, संपत्ति से संबंधित विवाद का अंतिम निपटारा, स्वामित्व के प्रश्न का निपटारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, परशांति भंग होने से रोकना है इसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है, तो किसकी रिपोर्ट पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, शिकायतकर्ता, तो किसके रिपोर्ट पर होती है, पुलिस अधिकारी के रिपोर्ट पर होती है शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, कौन सा गलत है इसमें से, ये बताना है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश 133, ठीक है, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया, सेक्शन 137, ठीक है, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद, सेक्शन 147, ओके, लास्ट है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति, सेक्शन 45, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है ये गलत है।
इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है। कहाँ बताई गई? सेक्शन 144 में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को जो उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रगतिया क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क किए बिना ही उसकी उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है, दूसरा है, शपथ पत्र जिनमें मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं की गई हो या प्रतिज्ञान नहीं किया गया हो साक्ष्य में अग्राह्य है। ठीक, नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम आदेश पारित करते समय परिशांति भंग होने की संभावना सतत या अस्तित्व में हो। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक आदेश से व्यथित पक्ष द्वारा सिविल वाद को प्रस्तुति के तुरंत बाद कार्यवाही को रोक देना चाहिए। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका बी, यही सही नहीं है। शपथ पत्र जिनमें मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं की गई हो या प्रतिज्ञान नहीं किया गया हो साक्ष्य में अग्राह्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा। ये देखिए आगे का सेक्शन है, FIR वाले में जब आप पढ़ेंगे तो, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, उच्च न्यायालय को। तो किसको करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, क चोरी का अभियुक्त है, गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है, दोषसिद्धि होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है, क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? हाँ, नहीं, 45 दिन के लिए मुजराई मिलेगी, 30 दिन की मुजराई के लिए हर है, तो क्या होगा? हाँ, मुजराई कर सकता है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपका सेक्शन 106 से लेकर पूरा आपका 148 तक हमने कवर किया है। ठीक, और यदि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए लोग हैं प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जो पुराने हैं जो अभी तक नहीं किए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।